जितने की पिछले छह महीने में देश के गृह मंत्री बनने के बाद श्री अमित शाह ने लिए, ये फैसले कई मायनों में एक नए भारत की नींव रखते हैं। लेकिन ये नया भारत आखिरकार कैसा होगा, इसमें अल्पसंख्यकों की क्या जगह होगी, इस मुद्दे पर देश भर में इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है। अपने सरकार के तमाम फैसलों को देश की जनता को समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एजेंडा आज तक के इस आखिरी और सबसे अहम सेशन में मौजूद हैं देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। अमित शाह जी, स्वागत है आपका एजेंडा आज तक में। आपने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाया, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों में और खास तौर से यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में छात्रों के हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, कुछ जगह पे हिंसा भी हमने देखी। देश के गृह मंत्री के तौर पे, एक ऐसे शख्स के तौर पे जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, आप इस आंदोलन को और जो हिंसा हुई है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, शब्द प्रयोग ठीक नहीं होगा, देश में 224 यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी गिन ले तो 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, उसमें से 22 यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, इसमें से चार में गंभीर हुए हैं, जैसे जामिया मिलिया है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लखनऊ की नवादा है, ऐसी तीन चार यूनिवर्सिटी में थोड़े सीरियस टाइप के प्रोटेस्ट हुए हैं, और बाकी सब ने जो प्रोटेस्ट है इसके समर्थन में अपना कार्यक्रम बना है, जिसमें 100, 200, 300, 40, 20, 11 इस प्रकार के स्टूडेंट उपस्थित है। तो 224 में से 22 यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम हुए। तो पहले तो ये कह देना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये ठीक नहीं है, एक सीमित मात्रा में हुए हैं, और ये भी इसलिए हो रहे हैं कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ठीक से बच्चों ने पढ़ा नहीं है। मैंने आज आपके कार्यक्रम से अपील करना चाहता हूं कि इस एक्ट का ढंग से अच्छे तरीके से वो स्टडी करें, और उनको कुछ लगता है कि इनके खिलाफ है या किसी के भी खिलाफ कुछ है तो जरूर सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए। हम एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस एक्ट को समझ सबकी आती जाएगी, ये पूरी जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है कूल डाउन होती जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद वहां पर जो हिंसा हुई उस पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस कैंपस में घुसी। आरोप यह है कि हॉस्टल में घुसी, लाइब्रेरीज में घुसी जहां पे छात्र छिपे हुए थे। आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, आपको क्या जानकारी मिली है, आखिरकार ये वाकया क्या रहा और दिल्ली पुलिस कैंपस में लाइब्रेरी और कॉलेज और हॉस्टल में क्यों घुसी? देखिए, जहां तक स्टूडेंट का सवाल है, कभी भी पुलिस इसके पीछे पड़ने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, मगर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से पथराव होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या तो जो कोई आगजनी करने वाले लोग हैं स्टूडेंट के साथ मिलकर बाहर आते हैं और किसी का दोपहिया व्हीकल रोक देते हैं, स्कूटर रोक देते हैं, मोपेड रोक देते हैं, मोटरसाइकिल रोक देते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, बस जलाते हैं, किसी की गाड़ी जलाने का प्रयास करते हैं, और उस वक्त भी अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो मैं मानता हूं पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रही है। जब प्रोटेस्ट हिंसा का स्वरूप लेता है तब उसको रोकना पुलिस का फर्ज भी है और धर्म भी है जो उन लोगों ने निभाया है। जहां तक पुलिस ने अंदर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, अभी ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा, आइधर और साई पर इस पर रिएक्शन आएंगे। मैं मानता हूं कि उचित समय पर पुलिस स्वतः ही इस पर फैसला करेगी। लेकिन क्या आपने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वाइस चांसलर की इजाजत के बगैर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अभी दिल्ली पुलिस को मैंने गृह मंत्री नाते यही कहा है कि पूर्ण शांति दिल्ली में करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सब चीजों की बात शांति होने के बाद होगी। एक न्यूज चैनल के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि वो पूछ कर गए थे या नहीं गए थे, गृह मंत्री के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली में शांति हो, तो मैंने वो किया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हिंसा भड़की उसके बाद हमने देखा कि सीलमपुर के इलाके में भी तनाव था, वहां पर भी पुलिस और लोगों के बीच में पथराव हुआ, इनफैक्ट स्टोन पेल्टिंग वहां पर हो रही थी। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर काबू पाने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, विपक्ष पूरा एकजुट होकर
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए अब फाये फैला रहा है कि इससे माइनॉरिटी को अलग धलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. मैं आज तक की चैनल से देश के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस एक्ट से आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्ट से किसी की सिटीजनशिप जाती ही नहीं है, सिर्फ किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है. और जब किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है तो भारत के नागरिक माइनॉरिटी और मुख्यतः मुसलमानों को चिंता करने का कोई कारण ही नहीं. इस एक्ट से किसी की सिटीजनशिप नहीं जाती. ये जो तीन देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वहां धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हुए जो माइनॉरिटी, वहां की माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, ये माइनॉरिटी के लोगों को नागरिकता देने का काम सरल करने के लिए ये कानूनी बदलाव किया गया है. सर, दो सवाल बनते हैं. वो ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में खुद तो आप कह सकते हैं कि इस एक्ट को अगर आप अकेले से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस एक्ट को NRC के साथ देखते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ देखते हैं, तब ये खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है. और मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि देश भर में आपने कहा कि 2024 से पहले आप NRC की प्रक्रिया को पूरी करेंगे. इस प्रक्रिया में तमाम लोगों की नागरिकता का प्रूफ मांगेंगे, उसमें कुछ सिटीजन के तौर पे उभर पाएंगे, कुछ के पास दस्तावेज नहीं होंगे. जिनके पास दस्तावेज नहीं हुए वो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, अगर वो सिख हुए, ईसाई हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, हिंदू हुए, फौरन इंडिया उनको सिटीजनशिप दे देगी. लेकिन जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं. क्या ये ठीक? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, NRC में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी. जो कोई भी NRC के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा. एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए NRC है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी. दूसरी बात, NRC लेकर कौन आया? आज जो लोग विरोध करें, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष को और गुलाम नबी आजाद को पूछना चाहता हूँ. 1985 में जब असम समझौता हुआ, पहली बार NRC की बात एक्सेप्ट की गई. उसके बाद में हमारे 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्लॉज 14A जोड़ा गया 3 दिसंबर 2004 को. 3 दिसंबर 2004 को यह स्पष्ट हो कि उस वक्त UPA की सरकार थी, हमारी नहीं थी. और उसके बाद में रूल 4 जोड़ा गया जो देश भर के NRC बनाने का ताकत देता है, वो भी 9 नवंबर 2009 को जोड़ा गया जब कांग्रेस की सरकार थी. और उनके बनाए कानून पर आज वो हमें सवाल कर रहे हैं. तो क्या कानून आपने शोकेस में रखने के लिए बनाया था भाई? जरूरी नहीं लगता था तो क्यों बनाया? सर, NRC में ही अलग से आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? आप कीजिए, पता लगाइए कि भारत में नागरिक कौन है. नहीं, NRC और कैब जब मिल जाते हैं. अभी हम लोग कोलकाता में थे पिछले हफ्ते, वहां पे आप ही की सरकार के वरिष्ठ सहयोगी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि एक कॉम्बिनेशन है, NRC और कैब को आप मिलके देखिए. आसाम में BJP के ही नेता क्या कह रहे हैं कि आसाम के राज्य में 19 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर हिंदू बंगाली जब जुड़ जाएंगे जनसंख्या में, तब वो कंस्टिट्यूएंसी का जो पूरा डायनामिक है, डेमोग्राफिक्स है, वो बदल जाएगा और यहां पे BJP को फायदा हो जाएगा. जब आप NRC और कैब को साथ में देखते हैं तब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मंशा क्या. देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़कर मत देखिए. अगर आपको पूरे मसले को इतने डिटेल में समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ. बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ. बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना, वहां से लाखों लाखों शरणार्थी यहां आए, यहां से लाखों लाखों शरणार्थी वहां गए. उसके बाद भी ढेर सारे मुसलमान यहाँ रह गए, रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम सेक्युलर कंट्री है, हम पंथ निरपेक्ष देश बनेंगे, तो यहाँ रहे, उनका स्वागत है, उनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए. बहुत सारे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन वहां पर भी रह गए, तो उनकी सबको चिंता थी कि इन लॉन्ग टर्म क्या होगा. बड़ी डिमांड हुई. 1950 में नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें दोनों देश अपने यहाँ जो माइनॉरिटी है इसकी
सुरक्षा करेंगे वो दोनों देशों ने तय किया। जब दोनों देशों ने तय किया तब देश में आबादी क्या थी, पाकिस्तान के अंदर अभी का जो पाकिस्तान है वहां लगभग 23% हिंदू थे, अभी का जो बांग्लादेश है जिसको पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त कहते थे वहां 30% हिंदू थे, ये स्थिति थी। आज वहां पर 3% हिंदू है पाकिस्तान के अंदर। कहां गए भाई, धर्म परिवर्तन करा दिया गया जबरन, या तो वो धर्म बचाने के लिए यहां है। यहां पर 30 थे आज 7% है, कहां गए? ढेर सारे किस्से हैं, मैंने संसद में बताए, इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ा दिया जाता है। कोई भला इस तरह से रह सकता है क्या? कहां जाएंगे वो यहीं आए। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ तब वहां जो माइनॉरिटी थी उनका अधिकार था कि इनको यहां पर शरण दी जाए, इनको सिटीजनशिप दी जाए। कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ राहुल, 70 साल तक मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए जिसके कारण अब वो सम्मान के साथ जी पाएंगे, अपनी बच्चियों की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बिलीफ के हिसाब से अपने धर्म की पालना कर पाएंगे, अपने अस्तित्व को पीढ़ियों को वो आगे अपनी बिलीफ को नीचे तक परकोलेट कर पाएंगे। तो ये हो गया नेहरू लियाकत और वहां से आने का बैकग्राउंड की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों जरूरी है, इन लोगों को नागरिकता देना क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का वादा था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस जो कहती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट, हमें राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हो चुके अपने भाइयों बहन जो देख रहे हैं इस समय स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, इनकी भी चिंता है, चाहे कुछ भी हो जाए वे हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे, उनके सुख दुख में समान रूप से हम सहभागी होंगे और जब यहां आना चाहेंगे हम उनको स्वीकार करेंगे। अभी सुनो, समाप्त नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद अपने शपथ ग्रहण के वक्त कहा कि हम उन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वसन करने के लिए व्यग्र है जो काफी कठिनाई और असुविधा झेल रहे हैं और झेल रहे हैं, वो कभी भी यहां है उनका स्वागत है। सरदार पटेल छोड़ दू, कांग्रेस नहीं मानेगी उनको। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव 25 नवंबर 1947 कांग्रेस कार्यकारिणी ने निम्नलिखित संकल्प अंगीकार किया, कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी, अब मेरा शब्द ध्यान से सुनना, गैर मुस्लिम, जो कांग्रेस ने लगे, मैंने नहीं कहा है, हम कहेंगे तो हिंदूवादी हो जाएगा, कांग्रेस कही तो सेक्युलर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए जो सीमा पार करके भारत आए हैं या आने वाले हैं, ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। उसके बाद महात्मा गांधी, पाकिस्तान में रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख यदि वे वहां नहीं रहना चाहते तो वो निसंदेह भारत आ सकते हैं। इस मामले में उनको रोजगार देना, नागरिकता देना और सम्मान पूर्वक सुख कर जीवन देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। 7 जुलाई 1947। अब उसके बाद में मनमोहन सिंह, अभी के प्रधानमंत्री जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने 18 दिसंबर 2003 को कहा अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़े, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है, उसमें सरकार ने सोचना चाहिए, मनमोहन सिंह। उसके बाद में अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा 2009 में, उन्होंने कहा मैं आपका ध्यान पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू और सिख समुदाय के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, चिदंबरम जी को लिखा था, ये विस्थापित निरक्षर है, एससी एसटी पिछड़ा समाज से आते हैं, अत्यंतिक गरीबी में जी रहे हैं, वे भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उनको तत्काल नागरिकता देने की योजना बनानी चाहिए। ये कांग्रेस के सारे लोगों का स्टैंड है, परंतु वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई, ना हम रोज वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना करने देंगे। तो एक बात हो गई है कि इनको क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
मतलब एक्ट लाकर इनको नागरिकता देने की जरूरत है. वो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं और 70 साल से नर्क का जीवन जी रहे. अब एनआरसी, मैंने पहले कहा एनआरसी का शुरुआत कांग्रेस ने करा, वो छोड़ भी दो. आज भी मैं कहना चाहता हूं देश की कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी, आप एक स्टेटमेंट कर दो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सब यहां आ जाए, हम उनको नागरिकता देंगे. जरा कल कर दे स्टेटमेंट जो वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी नागरिकता. कहां उन्होंने? तो फिर क्या मतलब है एनआरसी? एक मिनट, तो एनआरसी से क्या तकलीफ क्या है? मैं बताता हूं. बताइए. चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से दो परिवार आसाम में आए. एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था. दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में मेरी कहानी में अंतर है भैया. रोजगार मैं बताता हूं, पहले आप सुन लो. रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते. एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है. ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारे हो रहा था. ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं. ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में. नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30-7% और 23-3% हुई. ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है भाई. वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है. मैं आपको ढेर सारे कैंपों में ले जा सकता. सही कह रहे हैं आप गृहमंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी. लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए. या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा. ऐसा अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है. आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो. उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे पाकिस्तान में, साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे. उसी दिन सबको लाने की जरूरत थी, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी. पर सर हकीकत यह भी तो है कि जब आप एनआरसी की बात करते हैं और आपने मिशन बनाया और जो आप कहते हैं उसको देश की जनता बहुत गंभीरता से लेती है कि 2024 तक आप एनआरसी की एक्सरसाइज को देश भर में कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे कई सारे अशिक्षित गरीब परिवार हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो कहाँ साबित करेंगे? आसाम में भी हमने देखा कि फौजी फैमिलीज जो कि 1971 की लड़ाई में रह चुके, एक पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, वो नहीं दिखा पाए. विपक्ष तो ये कहता है कि ऐसे दौर में जब कई सारे लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाने में दिक्कत होती है, ये गरीब लोग कहाँ से दिखाएंगे अपना दस्तावेज? नहीं, मगर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, 71 की पूरी मतदाता सूची एक रिकॉर्ड के रूप में आसाम समझौते में रखी हुई है, उसमें उनके नाम ही है, वो ही दस्तावेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनके पिताजी के नाम 71 की मतदाता सूची में है ही. सर मैं आसाम में था, वहां पे मैंने लोकल से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो जेन्युइनली इलीगल है, जो असल में बांग्लादेश से आया है, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है. कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी है लेकिन चूंकि गरीब है, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं. और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे. सर कहां, एक सेकंड, आप सेक्युलरिज्म की चिंता करो, मैं आपको बताऊं. मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए. मैं आज देश की जनता के सामने आपके माध्यम से दो ही सवाल रखना चाहता हूं. दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? जो भी जाए वो नागरिक बन सकता है? राहुल जी आप चले जाओ अमेरिका में, नागरिक बन जाओ, जाओ बन सकते हो क्या? कोई देश है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि दुनिया भर में से कहीं से भी मुसलमान आए, क्योंकि हिंदू को ले रहे हो तो आप उसको भी स्वीकार कर लो? इस प्रकार से देश चलता है क्या? इस प्रकार से देश चल सकते हैं क्या? कभी नहीं चल सकते. और जहां तक भेदभाव का सवाल है, यूरोप के कई सारे देशों ने नियम बनाए हैं
ग्रीन कार्ड और नागरिकता के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही हमारे यहाँ नागरिकता मिलेगी, तो गरीब के साथ भेदभाव नहीं है। आप किसी और देश एक सेकंड इतना एजुकेशन होगा तो ही हम आपको नागरिकता देंगे, तो अनपढ़ के साथ भेदभाव नहीं है। तो भारत के लिटरेट साइंटिस्ट को ले रहे हो तो भारत के गरीब को भी ले जाओ भैया। जो हमें पूछ रहे हैं कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, तो आपने भी भेदभाव करा है, अलग फॉर्म में करा है, और हमने कोई भेदभाव नहीं करा। पर अमित शाह, ये भारत का कमिटमेंट था। जब बंटवारा हुआ वहां जो हिंदू भाई रह गए, सिख भाई रह गए, सारे वहां की माइनॉरिटी रह गई, अगर वो देश में वो रहना नहीं चाहते हैं तो इनको ये देश स्वीकार करेगा। ये देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, देश का गवर्नर जनरल का कमिटमेंट है, इस देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, और सबसे ऊपर महात्मा गांधी का कमिटमेंट है, जिसको देश में सबने माना है। इनकी एंट्री पर क्यों सवाल है? सर, उत्पीड़न अलग अलग किस्म का हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, सेक्ट के आधार पर हो सकता है, विश्वास बिलीफ के आधार पर हो सकता है, केवल आप धर्म के आधार पर क्यों ले रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमदिया सेक्ट है पाकिस्तान का, 1974 में वहां के राष्ट्रपति कानून लेके आए जिसमें उन्होंने अहमदिया सेक्ट को गैर मुस्लिम माना कि हम मानते ही नहीं कि ये लोग मुसलमान हैं। उसके बाद से हजारों की तादाद में वहां पर किलिंग्स होती हैं, हाल ही में वहां पर बहुत सारी किलिंग्स हुई। उत्पीड़न आधार क्यों नहीं हो सकता कि अगर आपके साथ, जैसे तस्लीमा नसरीन है, अदनान सामी है, तमाम तरह के लोग हैं, अगर आपके साथ जिस देश में आप हैं उत्पीड़न हो रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उत्पीड़न किस किस्म का है, कब हुआ, कैसे हुआ, और अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिटीजन बनाएंगे। ऐसा क्यों है कि अगर आप हिंदू हैं? ऐसा है ही, आपने एक्ट नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा है। मैं एक मिनट, हमारे एक्ट में प्रोविजन है ही, और ये 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में 600 मुस्लिम लोगों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हमने नागरिकता दी है, जो उत्पीड़ित होकर आए। ऑटोमेटिक नहीं है ना सर, अभी तो ऑटोमेटिक हो गया कि अगर आप हिंदू हैं तो, या सिख हैं, देखिए तो आप मान ही लेंगे कि उसका उत्पीड़न हो ही रहा था, आप उसको नागरिक बना लेंगे। देखिए राहुल जी, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति और उस वक्त के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी का कमिटमेंट है कि अगर वो जब भी वहां नहीं रहना चाहते, यहाँ आकर उनको शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, और मैं मानता हूँ ये ड्यूटी है। ये 3 कंट्री तो विभाजन के कारण, मगर आप, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, युगांडा से सारे हिंदू आए, क्यों नागरिकता दी भाई आपने? क्यों दी? वो तो कांग्रेस बताएगी ना, मैं क्या बताऊं? मैं कांग्रेस क्या बताएगी? कहां का जवाब सर कांग्रेस देगी? कल मानो मेरे, मैं भगवान न करे जैसा युगांडा में हुआ वैसा फ्रांस में होता है, वहां से कोई ऐसा शासक अगर सारे हिंदुओं को निकाल देंगे, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में जाएगा कहां? यहीं आएगा, और कहीं ना ही जा सकता, यहीं आएगा, कहां जाएगा? सिख कहां जाएगा भाई? यहीं आएगा, कहां जाएगा? अगर अफ्रीका से सबको निकाल दिया तो यहीं आए, तो आप और हमने स्वीकारना चाहिए। इस कानून को आपने केवल इन 3 देशों तक सीमित क्यों रखा? श्रीलंका जैसे देश में कई सारे तमिल रेफ्यूजीज हैं, वो भी हिंदू हैं, जिनका भी वाकई में धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, वो क्यों नहीं आ सकते? मैं बता दूं, श्री श्री रविशंकर मांग कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आप ही की पार्टी के मांग कर रहे हैं कि आने दीजिए। ऐसा है कि देश में कई बार नागरिकता देने के अलग अलग प्रावधान बनाए गए, लंका के लिए भी बनाए गए, 6 लाख से ज्यादा फैमिली को लंका से आए हुए तमिल भाइयों को हमने नागरिकता दी, उस वक्त इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि एक प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे थे। युगांडा से आए तब इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि एक प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे थे। 71 में इंदिरा जी ने एक मास नागरिकता दी, 71 में, कि भाई बांग्लादेश से जो आए सबको, अब तक जो आए उनको नागरिक बनाएंगे। दंडकारण्य प्रोजेक्ट भी 60 में आया, तो उस वक्त इनको क्यों नहीं दी? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। अभी हम ये 3 देश से जो माइनॉरिटी के लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ है, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछा कि ऐसे टाइम पे जब अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.5% पे आ गई है, और आपको ये मालूम है कि एक विवादास्पद फैसला है जिसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, क्या इस सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए? एक ऐसा कानून जो कि समाज में अलग अलग तरह के सवाल खड़े करता है, विवाद खड़े करता है, डिवाइड क्रिएट करता है, क्या इस वक्त पे जब इतने बड़े बड़े आपने फैसले लिए, आर्टिकल 370 का फैसला आपने लिया, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, क्या इस वक्त इस फैसले की टाइमिंग को आप एक्सप्लेन कीजिए? देखिए, वित्त विभाग अपना काम कर रहा है, गृह विभाग अपना काम कर रहा है। सरकार इस तरह से नहीं चलती कि एक जगह पे क्राइसिस, मानो आज थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है,
तो निर्मला जी वित्त विभाग में काम करना बंद कर देगी? नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटी तो ये है, चलो भाई अब वित्त विभाग वाले भागो सारे। ऐसे देश नहीं चलते हैं, हर विभाग अपने अपने तरीके से चलता है, साइमल्टेनियसली काम करते हैं, एक लीडर के नेतृत्व में चलते हैं और अच्छा परफॉर्म करें। और मैं आपको बताता हूँ, ये आप सारे फैसले कर, कुछ भूल गए हो आप, मैं आपको याद करा देता हूँ, इसमें ट्रिपल तलाक भी जोड़ दो, ये सारे फैसले जिस पर विवाद हो रहा है, मैं आज सारे के फैसलों के बारे में देश की जनता से बात करना, एक एक फैसले की तह में जाना चाहिए, कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी करने के पहले। ट्रिपल तलाक का फैसला भारत की सरकार ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, देश किस प्रकार से था? तो आप कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या कि ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों नहीं किया, आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे, नहीं मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर, एक मिनट आप मुझे, मैं आपको एक एक फैसले का जस्टिफिकेशन बताता हूँ भैया। ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, और विपक्षी पार्टी इसको भी मुस्लिम तुष्टिकरण का एक्ट मानती है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है? एक हो गया। दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया, क्यों टेम्पररी रखा, परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया, क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है, नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। इसमें हमने क्या नया किया भाई? आपने ही कहा था कि ये टेम्पररी है। उसके एक मिनट, उसके बाद में अयोध्या में 1994 में कांग्रेस पार्टी एक्ट लेकर आई। एक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसके पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो भूमि हिंदुओं को दे दी जाएगी, मुसलमानों के पक्ष में आएगा तो मुसलमानों को दे दी जाएगी। 1994 में अयोध्या एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई, जिसमें उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगी हिंदुओं के पक्ष में करेगी तो पूरी भूमि हिंदुओं को दे दी जाएगी, और अगर मुसलमानों के पक्ष में आई तो मुसलमानों को दी जाएगी। हमने कोर्ट के जजमेंट की राह देखी, कोई कानून हाथ में नहीं दिया, 5 जजों की बेंच बनी, एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 3 बनने वाले मुख्य न्यायाधीश उसमें बैठे, एक मुस्लिम सज्जन भी इसके अंदर न्यायमूर्ति थे, इन सब ने यूनैनिमस फैसला कर ये भूमि हिंदुओं को दे दी। अब कांग्रेस के एक्ट का मैं पालन कर रहा हूं तो भी भाई मैं कम्युनल हो गया, तो आपने एक्ट क्यों बनाया ऐसा? अब सुनो सुनो सुनो, उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, मैंने जैसे कहा कि नेहरू जी ने इसको एग्रीमेंट कर कहा था कि हमारा वचन है कि सारों को अगर वहां सुविधा नहीं है, प्रताड़ना भी नहीं लिखा है, नहीं रहना चाहते हैं तो हम स्वीकार करेंगे। कांग्रेस ने बहुत सारे लोगों को ये कहा कि हम स्वीकार करेंगे, हमने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा तब वो कम्युनल नहीं हुए, हम कह रहे तो हम कम्युनल हो गए। उसके बाद में एनआरसी का कंसेप्ट राजीव गांधी लेकर आए, और आज श्रीमती सोनिया गांधी विरोध कर रही। राजीव गांधी लेकर आए तो सेक्युलर था, तो आसाम के लिए लाए ना, ना ना पूरा सिटीजनशिप रूल 2003 और 2003 में नहीं, नहीं, 9 नवंबर 2009 में रूल 4A बना है, शेड्यूल पूरा जुड़ा गया। राहुल जी थोड़ा डीप में जाइए, आपने कहा राजीव गांधी लेके आए, राजीव गांधी तो तब चल बसे, राजीव गांधी उस वक्त 1985 में एक्ट करे, तब आसाम का था, आसाम एकॉर्ड का क्लॉज 5 है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आसाम के लिए एनआरसी सरकार, एक मिनट, सरकार ये विदेशी घुसपैठिए को निकालने की यंत्रणा बनाएगी, इसकी कानूनी व्यवस्था करेगी, जो उन्होंने 2004 और 2009 में करी। अब वो जब करते हैं तब वो सेक्युलर है, मैं उनकी बनाई हुई व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं कम्युनल हूँ? मेरी तो समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें भाई, आपने ही ये सारी व्यवस्थाएं करी है अलग अलग समय पर, और आप क्योंकि आज वोट बैंक आपकी हर्ट होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, करनी है, इसलिए आप विरोध करें। मैं देश की जनता को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, ये सारे कदम जो उठाए हैं इसकी किसी भी फॉरम में स्क्रूटिनी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार तैयार है। हमने पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से संविधान के स्पिरिट के साथ ये सारे फैसले। अमित शाह जी, आपने पूछा कि
हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, मनमोहन सिंह से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए. जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं. उस पार्टी ने जो किया सो किया उनकी, तो हालत देश की जनता ने ही बता दी. तो इस वक्त सरकार में आप बैठे हैं, कानून व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था की हालत पर, आपने 10% राहुल भाई, मैं 4.5% थोड़ी एक लाइन की स्पष्टता कर दूं. मैं ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे मत पूछे. मैं कभी भी कोई जर्नलिस्ट को नहीं कहता कि मुझे मत पूछे. मैं हमेशा जवाब देता हूं जो मुझे ठीक लगता है. मैंने इतना कहा कि भाई ये सारे आपके एक्ट थे, आपके कानून थे, आपके निर्णय थे, अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? इतना तो पूछना बनता था क्या? नहीं बनता था. वो पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा गया. मेरा मानना है कि पूछना चाहिए. कल भी पूछ लीजिएगा अगर कोई जवाब देता है. आपने ये कहा कि अगर फ्रांस में या जर्मनी में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान ही आएंगे, इसके अलावा कहाँ जाएंगे? बीजेपी और ख़ासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन हैं वीर सावरकर. उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई. मैं आपसे जानना चाहता हूँ गृहमंत्री जी, क्या आप गृहमंत्री के तौर पे कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं. हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं. इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है. और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान. इसके अलावा कोई धर्म नहीं. आज तक देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल, इस वक्त करोड़ों की तादाद में लोग आपको लाइव देख रहे हैं. आपको भी ये मालूम है कि देश की अल्पसंख्यक समुदाय में इस वक्त एक भय है, एक खौफ है, अलग अलग वजहों से. उन्हें लग रहा है कि अभी मैं जब यहाँ पे आ रहा था, जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा कि मैं तो दस्तावेज ढूंढ रहा हूँ, अब तो NRC में हमें ढूंढना पड़ेगा. अल्पसंख्यक समुदाय से थे. जो देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं देश के गृहमंत्री के तौर पर, उनको आप क्या संदेश देते? मैं अभी भय दूर किए देता हूँ. इस देश में जो मूल भारत के नागरिक है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है. NRC एक्सरसाइज आपको कभी भी बार नहीं करेगी. सरकार इसकी पूर्ण व्यवस्था करेगी और विशेषकर माइनॉरिटी के लिए हम विशेष व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये भय फैलाया गया है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए इनको नहीं निकाला जाएगा. मगर ये देश ऐसे नहीं चलता कि सीमाओं का खुला छोड़ दो. जिसको आना है वो आए, जो घुसपैठी है उनको जरूर जाना चाहिए. और मैं मानता हूं कि उन्होंने स्वतः कह देना चाहिए कि हम गलती से आ गए, हमें वापिस भेजने की व्यवस्था. नहीं, पर अमित शाह साहब, आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे. जब आप प्रचार में जाते हैं आप उनको दीमक कहते हैं, टर्माइट कहते हैं. पूरे साउथ एशिया में एक ही देश है जिससे हमारे रिश्ते इस वक्त अच्छे हैं. देखिए, पहले दीमक की मैं स्पष्टता कर दूं, क्योंकि बहुत चलाते हैं विशेषकर अंग्रेजी मीडिया के लोग. मेरा पूरा वाक्य था, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूँ. इस देश के अंदर गरीबी है, इस देश के अंदर बहुत जनसंख्या है, और जब कोई बाहर से रोजी रोटी के लिए यहाँ घुस कर आता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों की रोजगारी की संभावनाओं पर वो असर करता है. इस देश के मुस्लिम नागरिकों की रोजगारी की संभावनाओं पर भी वो असर करता है. इस देश की सुरक्षा को भी वो चिंतित करता है, क्योंकि गरीब आदमी होता है वो अपने जीवन का निर्वहन करता है, तो किसी का हथियार बनने की ज्यादा संभावना होती है. तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के भी रोजी रोटी के लिए ये जो आ रहे हैं खतरा है. इस दृष्टि से मैंने कहा था कि हमारी पीढ़ियों की रोजी रोटी की और व्यवसाय की व्यवस्था के लिए ये घुसपैठिए दिमाग है. और मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये जो घुसपैठिए आते हैं वो खतरा है, और रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए. और देश ने कभी भी इतने हल्के से सिटीजनशिप को नहीं लेना चाहिए. दुनिया में कोई देश जो हमें नसीहत देते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, बोलो भारत से कितने लोगों को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हैं? हम भेज देते हैं कल अगर वो स्वीकार करे. ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार आपसे नाराज है. दो मंत्रियों ने आना था, उनका कैंसिल करना पड़ गया. उन्होंने तो कहा कि हम स्वीकार कर लेंगे. उन्होंने तो कहा हम स्वीकार करें. उन्होंने जिम्मेदारी ली, आज ही स्टेटमेंट आया नाराजगी. वो तो ये प्रक्रिया को साहजिकता से ले रहे हैं. आपने कहा कि आप चिंता न कीजिए राहुल जी, NRC हम लोग कर लेंगे. सर, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड NRC तो आसाम में हुई, उसके बाद कितना बवाल हुआ. यहाँ तक कि बीजेपी आसाम में उस NRC को मानने को तैयार नहीं. आप कह रहे सरकार पे छोड़ दीजिए, आप ही लोगों ने तो किया, आप ही की तो सरकार थी वहां पे. एक
निश्चित समय मर्यादा में ये किया गया, इसके सारे लूपहोल्स ध्यान में आ गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नया जो NRC जब भी करेंगे हम, जब भी करने का आएगा, यहाँ के एक भी माइनॉरिटी वाले को अन्याय भी नहीं होगा और एक भी घुसपैठिया बच भी नहीं पाएगा। अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं, आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं, क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए, कहां जल्दी करें, कहां जल्दी करें, 70 साल हो गए, 70 साल हो गए जी, कहां जल्दी करा, 70 साल चले गए, जल्दी क्या करा? हम तो 1950 से कहते थे हम 370 को हटा देंगे, जब से मसला खड़ा हुआ कहते थे राम मंदिर वही बनना चाहिए, तब से कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तब से कहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए, और तब से NRC की भी बात कर रहे थे जब से आसाम एकॉर्ड हुआ, कि भाई आसाम का मसला नहीं है, देश भर में स्प्रेड कर गए, पूरे देश का करना चाहिए। हम तो तब से कहते, कहां हमने जल्दबाजी की? और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी कोई चुनाव नहीं, झारखंड चुनाव के लिए नहीं कर रहे भाई। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सरकारें चलाई है जो देश की समस्या को कभी एड्रेस नहीं किया, देश की समस्याओं से दो दो हाथ करने का पेन नहीं लिया, इन्होंने रिस्क नहीं लिया, समस्याओं को लटका कर चली। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हम में साहस है, हमारे नेता में भी साहस है, हमें मालूम है दिक्कतों का सामना कर, और क्या जरूरत थी आज बताओ, हम तो 5 साल के लिए चुनकर आ गए थे। आपको तो, आप तो पॉलिटिकली हमें यही कहोगे कि इनको पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती। हाँ नहीं आती, हम पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश को अच्छे रास्ते पर चलाना, वरना आज हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो 5 साल के लिए बैठ गए थे भाई। सर आप कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि आपको राजनीति करनी नहीं आती, लोग तो कहते हैं कि राजनीति के वर्तमान के सबसे बड़े चाणक्य आप हैं। देखिए राजनीति तो, राजनीति अगर हम करते तो इसको हम 2023 में करते। मेरा सवाल नहीं, ये बल्कि बेहतर स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो भी बवाल होगा, जो भी इसका बैकलैश होगा, वो सब आप सुटा लेंगे 2024 के चुनाव से पहले। चिंता मत करो, 2023 में करते, अगर देश में इस तरह से आग लग रही होती सीलमपुर से लेके जाम में। अभी भी मैं कहता हूं कि एक बार आपकी चैनल का दायित्व है, सार्वजनिक दायित्व है, कि ये जो शरणार्थी आए उनके कैंप में एक बार जाकर देखिए, वो अनाथ यतीम बच्चियों को देखिए, वो महिलाओं को देखिए, ना गटर है, ना पानी है, ना रहने का कोई अधिकार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। एक दिन भी बिगाड़ना नहीं चाहिए उनको नागरिकता देने के लिए, एक दिन भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि ये भारत का कमिटमेंट था और भारत ने अपना कमिटमेंट ओन करना चाहिए। अमित शाह साहब, 2014 से जब से आप केंद्र की राजनीति में आए, एक के बाद एक आपका विजय रथ, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बनाता चला गया, बीजेपी की सरकारें बनती चली गई, और आपकी एक इमेज बनी मॉडर्न डे चाणक्य के तौर पे, कि इस वक्त जितने चतुर, जितने स्मार्ट, जितनी पॉलिटिक्स की नब्ज आपको आती है और किसी को नहीं आती, फिर महाराष्ट्र में फेल क्यों हो गए? महाराष्ट्र में हम फेल नहीं हुए भाई, आप बारीकी से देखते नहीं, हमारे गठबंधन को 160 सीट मिली, पूर्ण बहुमत आया है, जनता ने हमारे पक्ष में मैंडेट दिया है, कहां फेल हुए? 162 सीटें आई है, हम बहुमत से 20 सीट ज्यादा प्राप्त, कैसे फेल हो गए? फेल ऐसे हुए कि आपने रात में गवर्नर साहब को जगाया, प्रधानमंत्री को जगाया, राष्ट्रपति को जगाया। सुनिए मेरा सवाल, नहीं नहीं उसका तो, अब तो मेरा सवाल उसका बहुत सरल कारण, आप सुनते ही नहीं है सवाल, पूछ लीजिए। तो मेरा सवाल यह है कि जिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 12 का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इन्वोक करने के लिए किया, उसी का इस्तेमाल वर्तमान सरकार ने किया बड़ी जल्दी में, कि रात में सरकार बन जाए, सुबह सुबह स्वेरिंग इन हो जाए। आपने अजीत पवार पे विश्वास किया, किसी ना किसी तरीके से आपने उनसे हाथ मिलाया, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया? आपका कैलकुलेशन फेल कैसे, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अमित शाह अगर कैलकुलेट करता है तो बहुत दूर तक सोच के कैलकुलेट करता है। चलो ठीक है, ये मेरी छवि टूट गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ वहां से शुरू नहीं हुई, गड़बड़ हमारी 106 सीट थी, शिवसेना की 55 थी, शिवसेना को मुख्यमंत्री बनने का मोह हुआ, वहीं से गड़बड़ हुई, वरना कोई गड़बड़ का सवाल नहीं था, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। दोनों हमारी 106 थी, उनकी 55 थी, दोनों ने मिलकर गवर्नर साहब के पास जाना था, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना था, मगर जब
पवार साहब वगैरह ने शिवसेना के सामने दाने डाले मुख्यमंत्री बनने के, और दाने उन्होंने चौंच में ले लिए, तब ये गड़बड़ हो गई। सर दाने तो आपने भी डाले, नहीं हमने भी लगा कि वो पकड़ लेंगे, उन्होंने चौंच में लेके छोड़ दिए, समझ में नहीं आया कि किसने दाने डाले। ऐसा है, हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते तो झगड़ा कहां था, वो बन ही जाते। हमने कहा ऐसा कहा कि नहीं भाई, पहले तय हुआ था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। हमने सार्वजनिक रूप से हर सभा में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, रैलियों में कहा था, तो हमने ना बोल दिया। पर क्या आप ये मानेंगे कि ये मिस कैलकुलेशन या मिस जजमेंट हुई आपसे, क्योंकि बीजेपी का कोई भी ऐसा फैसला आपसे चर्चा किए बगैर, प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा किए बगैर, अगर आप घुसे उसमें कि हम लोग अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर बना लेंगे सरकार, और फिर वो पासा एकदम उलट हो गया, क्या ये एक मिसकैलकुलेशन थी, क्या आपके राजनीतिक करियर की एक चूक थी? देखिए, इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। हमने प्रयास किया सरकार बनाने का, नहीं बना पाए, इतनी सरल बात है, क्योंकि हमारा साथी हमारे पास से भाग गया था। सर लोग ये कहेंगे कि आपका अलायंस मैनेजमेंट ठीक नहीं था, चुनाव से पहले आपका अलायंस मैनेजमेंट बड़ा जबरदस्त था, जहां पे भी कुछ पेच होता था लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में नाराज होती थी, आप उनको हद से ज्यादा सीट दे देते थे, नीतीश कुमार को आपने हद से ज्यादा सीट दे दी, बिहार चुनाव में आपने जितेंद्र राम मांझी को जितनी उनकी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सीट दे दी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 303 सीटें आने के बाद आपको लगा कि अब बस हम सर्वे सर्वा हो गए, अब अलायंस आया तो आया, नहीं आया तो हम फिर भी बना ले? ऐसा नहीं है राहुल जी, अगर चुनाव के पहले वो हमसे नेगोशिएट करते तो हम जरूर दो कदम आगे जाते, जरूर जाते। वो तो बाला साहेब ठाकरे की कसम खा के कहते हैं कि आपने वादा किया, ये सब बाद में आया भाई, चुनाव के पहले वोट देते जरा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। चुनाव के पहले अगर वो नेगोशिएट करते हैं तो हम दो कदम आगे भी जाते। उन्होंने मान लिया, सीटें स्वीकार कर ली, चुनाव हो गया, हमारे नेताओं के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और एक भी शिव सैनिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां शिवसेना के नेताओं से मोदी जी की फोटो ढाई गुना बड़ी न हो। तब तक तो कुछ नहीं कहा, बाद में अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है भाई, ये भी एक लेसन हुआ। अमित शाह साहब, जितना मैं आपको और आपकी राजनीति को जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि आप कच्चा खेल नहीं खेलते, और बहुत देर से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या शरद पवार ने आपके साथ डबल गेम किया, क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं संकेत दिया कि वो आपके साथ हैं और एंड में उन्होंने दगा दे दिया? इसमें इतने दूर तक मत जाइए, शरद पवार का डबल गेम है वो, अजीत पवार के साथ लोग ने, सीधी सादी बात थी, हमारा साथी हमारे साथ नहीं रहा, उन्होंने दूसरों का साथ लेकर मुख्यमंत्री बनना तय किया, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, और इसके कारण हमें सरकार में, हम नहीं आए, विपक्ष में बैठे, हमारा तो पूरा पार्टी का जीवन ही विपक्ष में गया है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है भाई, और इतनी ही शिद्दत से हम विपक्ष के अंदर काम कर रहे हैं। आज इरिटेशन हुई आपको, खुंदकाई कि ये क्या हो गया, जीता जीता चुनाव, बनी बनाई सरकार आपके साथ में था, आप इसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं महाराष्ट्र में, अगर आप फिर से खेल रहे होते ये गेम तो आप क्या करते? देखिए, मैं कभी भी इरिटेट नहीं होता हूं, हर पार्टी को अपना फैसला करने का अधिकार है, अपनी पॉलिसी के हिसाब से करे, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अपना फैसला थोप नहीं सकती। अब उन्होंने फैसला लिया कि जो भी सीटें हो हमें मुख्यमंत्री बनना ही है, तो यही हो सकता है, बाद में क्या हो सकता है? आपने मेरे सवाल का वो जवाब नहीं दिया, शरद पवार ने कहा ना मैं इरिटेट नहीं हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कोई ऐसी डील शरद पवार से भी हो रही थी? देखिए, मोदी जी और शरद पवार जी की क्या बात हुई, मैं ना मोदी जी को पूछूंगा ना मुझे पूछना चाहिए, दो नेताओं के बीच में जो व्यक्तिगत बात होती है उसका एक महत्व होता है और उसकी गंभीरता सार्वजनिक जीवन में होती है। अमित शाह साहब, हम आना चाहते हैं अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे, 45% वादा आप पूरा कर पा रहे हैं, 4.5% पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त ग्रो कर रही है, जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उस पर इतना बड़ा गैप क्यों? देखिए, हम 70% जाकर आए हैं, पहले ये आप भूल जाते हो, 10% का वादा था, 7.8 पर हम गए थे और 4 से ले गए थे, ये आपको याद रखना चाहिए, और ये तत्कालीन परिस्थिति है, 4.5 पर ठीक नहीं रहेगा, ये ग्लोबल स्लोडाउन का एक इफेक्ट है, और कंपेरेटिवली बड़ी इकोनॉमी का परसेंटेज वाइज जितना कम हुआ है इससे हमारा बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, हम मेक ओवर कर लेंगे, और इसके लिए निर्मला जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए, और पूरी दुनिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है कि निर्मला जी ने इकोनॉमी को समझकर अच्छे कदम उठाए हैं, मुझे पूरा भरोसा है
कि एक दो क्वार्टर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि दुनिया प्रशंसा कर रही है, हकीकत यह है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वही भारत की इकोनॉमी में अभी विश्वास नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर बाउंस बैक होना है कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में नजर आएगा। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसा है कि आप अकेले भारत की इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हो, इसलिए अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी के स्टडी करते होते और पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो अलग अलग कदम उठा रहे हैं, हर देश उठा रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं उठा रहा है, हर देश उठा रहा है, और इसके क्यूम्युलेटिव इफेक्ट का अगर आप अंदाज करते हो तो विश्व की इकोनॉमी भी ऊपर आनी है और भारत की इकोनॉमी तो आनी ही आनी है। मैं हमेशा सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ और मुझे भरोसा है निर्मला जी के नेतृत्व में वित्त विभाग अच्छा काम कर रहा है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। सर ऐसा है, दो क्वार्टर 5 साल नहीं होते है। आप थोड़े समय सवाल बचा कर रखो, 23 में पूछ लेना भाई। ये दो क्वार्टर जो होते हैं वो 5 साल नहीं होते राहुल जी, क्योंकि जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत में कहा जाता था कि बहुत सारे युवा हैं जो कि लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे, मैं इतना कहूंगा, मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सजग होकर बहुत संवेदनशीलता के साथ अर्थतंत्र के अंदर जो एक टेम्पररी गतिरोध आया है इसके निवारण के लिए काम कर रही है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला बहन के नेतृत्व में वित्त विभाग बहुत अच्छे से कदम उठा रहा है। 8 अलग 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 प्रकार के पैकेज और घोषणाएं लेकर वो आई हैं। मुझे भरोसा है कि अगले क्वार्टर से इसके परिणाम मिलना शुरू होंगे और 3 क्वार्टर के अंदर हम काफी मेकओवर करेंगे। सर आप ऐसी ही एक सभा में बैठे थे जहां पर एक बड़े उद्योगपति राहुल बजाज खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अमित भाई देश में खौफ बहुत है, मनमोहन की सरकार को तो आदमी कुछ भी कह सकता था, डर नहीं लगता था, आपके सामने कुछ कहने में डर लगता है, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, क्या सरकार कर देगी। जब उन्होंने कहा तब आपके जहन में क्या आया कि क्या पूछ दिया उन्होंने? ऐसा नहीं, मनमोहन की सरकार में मैंने आपका ही कार्यक्रम देखा था, उसमें तो उन्होंने राहुल जी की प्रशंसा करी थी। प्रशंसा करने में डर नहीं लगना चाहिए, बजाज जी ने प्रशंसा करी थी राहुल जी की, जब प्रशंसा करते हो तो डर नहीं लगना चाहिए। और ये कहने के बाद फिर से कहा, बीच में भी कहा, क्या हुआ उनको बताऊं? तो उनका डर बेवाजिब है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है कहने के बाद, आज भी नहीं हुआ है ना फ्यूचर में होगा। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अशोक लवासा हैं इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने चुनाव के दौरान कुछ फैसले लिए, कुछ ऑब्जेक्शन दिए जो कि बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की सोच से भिन्न थे, जो कि बीजेपी की उस वक्त की जो सोच थी या जो भी उसकी ज़रूरत थी उसके खिलाफ थे। उसके बाद तो उनके ऊपर तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन हो गए, उनकी पूरी फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन हो गए। अगर कुछ करा नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन से क्यों डरना चाहिए भाई? और ऐसा है जो चुनाव आयुक्त होगी उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा, ये कानून कहाँ से लेकर आए? मुझे मालूम नहीं हुए है नहीं हुए, आप कह रहे हो इसलिए मैं तो मान रहा हूं। सबने जो अपना अपने काम किया है इसका जवाबदेही देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है सर कि जो जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, जैसे कि ढेर सारे ऐसे हैं कि जो बीजेपी के विरोध में नहीं भी खड़े हैं। नहीं, पर जो भी, जैसे फर्ज कीजिए पहले बीजेपी कहती थी भाग मुकुल भाग सीबीआई आती है, वो आपके पास आ गए, फिर एक तरीके से गंगा जल आज भी वो फेस कर रहे हैं। सर कहां कुछ होता नहीं ना, कुछ जेल तो वो जाता है जो आपके खिलाफ होता है, वो बेल पहले ही हो चुकी है, पर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करती है ना। अब तो क्या होगा, ट्रायल चलेगी तब होगा, बेल पहले ही हो चुकी है उनकी। आप नहीं मानते कि एजेंसीज का सिलेक्टिव मिसयूज हो रहा है, कि मतलब जो आपके विरोधी हैं? जरा भी नहीं मानता, इसलिए कि सिलेक्टिव मिसयूज करते तो इतनी देर न लगती। हम पहले 5 साल रहकर आए भैया, 5 साल तक क्यों राह देखी बताऊं? फिर मुझे आप कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, खौफ की कोई वजह नहीं है, तो फिर सब आपसे इतने डरते क्यों हैं? अब वो तो आपकी पार्टी के लोग हो, आपके मंत्री हो,
आपसे बहुत भयभीत रहते हैं, आपसे भी और मोदी जी से भी। कोई भयभीत नहीं है भाई, राहुल जी आपको अकेले में बताते होंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता होगा, तो शायद राहुल को बता दो तो दो टेढ़े सवाल न पूछे, ऐसा कोई होगा। परंतु मैं बताता हूँ, पहले मैं संगठन का काम करता था, अब सरकार में भी हूँ। जितने डेमोक्रेटिक तरीके से अभी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, शायद ही आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री के रहते हुए हुई होगी। हमने भी सुना है ना पहले बैठकें कैसे चलती थी, 125 ओके, 26 पेंडिंग, 28 बैक, 28 से 56 ओके, चाय पियो। एक एक एजेंडा पर खुलकर अपना विभाग हो न हो सभी मंत्री चर्चा करते हैं और कई बार चर्चा के आधार पर फैसले भी बदलते हैं। इस वक्त झारखंड में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी इस वक्त भी अकेली है। मैं 3 दफा झारखंड होके आया, वहां पर AGSU आपकी जो एलआई होती थी इस वक्त आपसे अलग होकर लड़ रही, 26 सीटों पे 5% वोट AGSU का आधार है, 81 सीटों की असेंबली है। कांग्रेस JMM RJD मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ LJP भी है और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी विपक्ष के इस चक्रव्यूह में झारखंड में फंस सकती है? देखिए, हमने झारखंड के अंदर बहुत ढंग से के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने 5 साल काम किया है, नीचे तक योजनाओं को पहुंचा है। मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट लेगी और वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी एक रणनीति, क्योंकि जब मैं झारखंड में रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां पे बीजेपी के लोग और बाकी भी लोग ये कह रहे थे कि चूंकि आपने एक नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया, वहां पे उसका एक बैकलैश है, ये आपकी कहीं ना कहीं रणनीति भी रही है। आपने पंजाब में खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने महाराष्ट्र में फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, ऐसा क्यों है कि जो नॉन डोमिनेंट कास्ट रहती है उस स्टेट की, इसको रणनीति ऐसे आप क्यों करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? ये रणनीति नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी ने, किसी न किसी नेता ने डेमोक्रेसी के अंदर जातिवाद और ब्लॉक जो होता है इसके आधार पर नेता तय करने की जगह परफॉर्मेंस के आधार पर नेता तय करने की पद्धति शुरू करनी पड़ेगी, जो मोदी जी ने करी है। हो सकता है इसका टेम्पररी खामियाजा हमें भुगतना पड़े, मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि भुगतना पड़े कि वहाँ नॉन मराठा कर दिया, यहाँ नॉन जाट कर दिया, यहाँ नॉन ट्राइबल कर दिया, पर हमने मेरिट के आधार पर फैसले करे हैं और ये देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सुधारने का हमारा एक विनम्र प्रयास है। मुझे मालूम नहीं है इससे सुधरेगी या नहीं सुधरेगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, परंतु एक नए सिरे से देश की राजनीति को दिशा देने का प्रयास है। हम मानते हैं कि जातिवाद, तुष्टिकरण और परिवारवाद तीनों को देश की राजनीति के अंदर से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मेरिट्स को खा जाते हैं, समान संभावनाएं, समान मौके देश के नागरिकों को नहीं देते हैं। जिस तरह से आप राजनीति करते हैं उसका एक और पहलू ये है कि आप जिस सीट पे कमजोर होते हैं आपको कोई परहेज नहीं है दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार को लेने, लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े NCP के कैंडिडेट्स आप तोड़ खेला है, वो उल्टा ही पड़ गया, वो नहीं जीत पाए बावजूद उसके कि उनकी जमीन पे पकड़ थी। क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रेटेजी को भी कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत? कई सारे जीते भी है, ऐसा नहीं है, और रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे भी, इसमें क्या आपत्ति है? जिस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है, मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। नहीं तो मेरा सवाल ये था कि क्या इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट्स पर, वो माने कि अब से 10 साल के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संन्यास लेते हैं या उनकी राजनीतिक इनिंग्स खत्म होती है तब बीजेपी की कमान संभालने के लिए अमित शाह को ग्रूम किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी की कमान तो आज भी मैं संभाला हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं ही बीजेपी की कमान, जहाँ तक आप जो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, मेरी पार्टी में मैं बहुत जूनियर हूँ, मुझसे बहुत सीनियर नेता मेरे आगे हैं और मैं मानता हूँ कि आप मेरी से आगे कौन है? ढेर सारे हैं भाई, छोड़ दो ना नाम, ढेर सारे नेता मेरे आगे हैं और मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी में फैसले व्यक्ति खुद नहीं करता, पार्टी करती है ना। मैं ये रेस में हूँ, अभी हम सबका जो मंत्री है सबका एक ही ध्यान है, मोदी जी सफल हो
और नए भारत की रचना हो और नया भारत दुनिया में यश प्राप्त कर एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जो पहुंचाने के लिए हमारे आजादी के संग्राम के लोगों ने स्वप्न देखा। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे यह है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे देखेंगे? तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, आप होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है, मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो।